ये जो है ना सड़क, ये गांव में दाहल होती है और ये सड़क के किनारे कुछ घर कच्चे पक्के और साथ ये किन्नू के बगात भी हैं। ये देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंड मक्को का बोर्ड लगा हुआ है। ये साथ गवर्नमेंट का स्कूल भी है जिसके साथ अभी मैं खड़ा हुआ था। और यहाँ से थोड़ा सा आगे गांव है, तो चलो गांव में चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे साथ बहन भाइयों दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। और आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ गो, अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ीयत से रखे। अभी मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ नदीम अफजल चंद साहब के गांव के बाहर, हाई स्कूल है वहाँ पर। तो आज मेरा दिल किया है कि मैं पिंड मक्को चलूँ, नदीम अफजल चंद साहब का गांव है जो जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर भी रहे हैं और इमरान खान के मुशीर भी थे। अभी पिछले दिनों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये पिंड मक्को बंडी बावलदीन की तहसील मलकवाल में एक छोटा सा गांव है, तो जहाँ पर ये गवर्नमेंट का हाई स्कूल बना हुआ है जिसके मैं बाहर खड़ा हूँ अभी। तो चलो आगे चलते हैं गांव में और पता करते हैं नदीम अफजल चंद साहब, अगर मिलते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, अगर नहीं मिलते तो चलो गांव की सैर थोड़ी सी करते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जी बहुत खूबसूरत जगह पर ये दारा बना हुआ है नदीम अफजल चंद साहब का। ये जो साइड है ना, ये पुराने हैं जगह पर। और ये नदीम अफजल चंद साहब के मुलाजम बैठे हुए हैं। तो अभी मेरी इनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि नदीम अफजल चंद संडे के संडे लोगों से मुलाकात करते हैं, अपने हलके के लोगों से। अभी या तो वो इस्लामाबाद में होंगे या फिर हलके में कहीं चक्कर लगा रहे होंगे। मैं अभी आपको इनका दारा दिखाता हूँ। नदीम अफजल चंद साहब का जो घर है वो गांव के अंदर है, गांव के अंदर है। ये नदीम अफजल चंद के और उनके भाई के दरमियान उनके वालिद साहब की तस्वीर लगी हुई है। और ये इनका नया दारा का पोर्शन है जिसमें मतलब है पीटीआई के जो है ना वो मेन शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब और ये आगे मुझे नाम नहीं आते इनके। ये दारा है उनका। और अभी मैं ना आपको उनका पिंड दिखाता हूँ। छोटा सा गांव है, बहुत खूबसूरत है वैसे। ये चारों तरफ लगे हुए हैं, फसलें लगी हुई हैं साइड पर इनके दारे के बाहर। हाँ तो जी, इस वक्त खड़ा हुआ हूँ नदीम अफजल चंद साहब के दारे के अंदर और उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी। मेरा दिल था कि उनसे मुलाकात करके थोड़ी सी बंदा बातचीत कर लेता, उनका इंटरव्यू कर लेता है, लेकिन वो नहीं मिल सके। तो चलो उनके गांव में पहुंचना मकसद था। गांव की थोड़ी सी सैर करते हैं और चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। ये मॉडल पोस्ट ऑफिस बना हुआ है उनके गांव में, बिल्कुल दारे के बाहर। ये दारा है, सामने मेरा मोटरसाइकिल भी खड़ा हुआ है। और उनके दारे के बिल्कुल साइड पर ना ये दूसरी साइड पर कब्रिस्तान है उनका। ये बच्चे आ रहे हैं स्कूल से पढ़कर अभी। और ये साथ है इमाम बारगाह भी है। ये जी चंद साहब के दारे के बिल्कुल बाहर ये जगह बनी हुई है, ये देख सकते हैं। ये गरीबों का एरिया है, वो छोटी सी मस्जिद बनी हुई है
और ये बाहर बने हुए जानवर हैं, भैंस हैं। ये छोटा सा गांव है, पिंड मक्को इसका नाम है, और ये मंडी बहावलद्दीन ज़िला के तहसील मलकवाल में है ये छोटा सा गांव। ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता जो है ना दारे की तरफ जाता है, ये कच्चे मकान बने हुए हैं इधर थोड़े से। ये है जी पिंड मक्को, नदीम अफजल चंद साहब का गांव। और ये बच्चे हैं खेल रहे इधर। अस्सलाम वालेकुम चाचू जान। ये देखें, ये है सारा जी गांव। जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, मुझे तो ये सारा इसी तरह की है। तारे की तरफ कम से कम मेरे ख्याल में नदीम अफजल चंद साहब को अपना ध्यान देना चाहिए था। वैसे रोड जो है ना पक्के बने हुए हैं इधर।